हे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हम लोग आज जेई मेंस की वेक्टर्स की जो प्रॉब्लम्स है जो 2021 और 22 में, और कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली प्रॉब्लम, हमें यहाँ पर ए बी सी तीन यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो एंड ए डॉट सी इक्वल्स टू जीरो, और कहता है कि एंगल बिटवीन बी एंड सी पाई बाय 6 है। तो हमें फिर वेक्टर ए को प्रूव करना वो इसके बराबर है। ऑल्दो ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का था, लेकिन हमने इसको सब्जेक्टिव टाइप तरीके से ट्रीट किया। नाउ सी हाउ विल सॉल्व दिस। ए डॉट बी 0 है, ठीक है, ए डॉट सी भी 0 है, तो इसका मतलब यहां से वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो गया वेक्टर बी के, और वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो गया सी के। तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी और सी के, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ वेक्टर बी और सी कोलिनियर नहीं है, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज पाई बाय 6। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो कुछ ऐसे होगा। और आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है? डेफिनेटली देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए होगा हमारा वो क्या होगा? वेक्टर ए मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, कुछ ऐसा हो जाएगा। सही बात है, तो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस। तो अब यहां से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जब ये रिलेशन हमारे पास आ गया, नाउ टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। तो मैग्नीट्यूड से जो स्केलर बाहर आएगा उस पे मॉडुलस लग के आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। अब ए यूनिट वेक्टर, तो ये तो 1 आ जाएगा। नाउ दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और क्वेश्चन में हमें बी और सी के बीच में एंगल पाई बाय 6 दे रखा, तो इट इज साइन पाई बाय 6। सो 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू 1 इंटू 1 एंड साइन पाई बाय 6 इज 2। सो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, सो लैम्डा इज प्लस माइनस 2। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहां स्विच ओवर करेंगे तो हमारे पास वेक्टर ए आ जाएगा प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी। नो सी, देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन के हर एक पार्ट को ठीक से पढ़ना और उस कंडीशंस को ठीक से अप्लाई करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, पहले कंडीशंस पढ़ते हैं। कहता थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 है और बी का मैग्नीट्यूड 3 है, और थीटा जो है इस रेंज में लाई कर रहा है, यानी कि ओपन इंटरवल पाई बाय 4 से पाई बाय 3। तो कहता फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो वी विल हैव ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, और माइनस बी क्रॉस ए क्या होता है? ए क्रॉस बी के ही बराबर। तो ये क्वांटिटी आ गई 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ लेट अस मेक यूज ऑफ दिस। यहां वैल्यू स्विच ओवर करते हैं मेन एक्सप्रेशन में। सो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर। इसको कैसे हैंडल करेंगे? वी कैन राइट दिस एज 4 टाइम्स ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, एंड इफ आई टेक एंगल बिटवीन दैम इट्स ऑलरेडी गिवन थीटा, सो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा. इट विल बी फोर टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ इफ यू टेक दिस कॉमन, सो विल हैव फोर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड विल हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज वन. सो वी हैव फोर टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर. नाउ क्या क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड अवेलेबल है? यस. ए का मैग्नीट्यूड हमें 4 है तो ये 16 हो जाएगा, और बी का मैग्नीट्यूड 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9. सो वी हैव 64 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 576 इज द आंसर. देखिए इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि बच्चे जो है दे डिस्गाइज बाय दिस रेंज, बट अगर आप देखें जब ए और बी का यहाँ मॉडल्स दे दिया गया है तो बेसिकली ये जो आंसर आएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो बेसिकली थीटा के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा, तो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट. तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन भी. नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से. क्या है क्वेश्चन देखिए. ए और बी यूनिट वेक्टर्स है, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर्स है, और सी एक ऐसा वेक्टर है सच दैट के एंगल बिटवीन ए एंड सी जो है वो पाई बाय 12 है. पाई बाय 12 कितना हो गया? 15 डिग्री. ओके. एंड वेक्टर बी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हमें वैल्यू निकालनी है 6 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो पहले एक काम करते हैं, जो रिलेशन दे रखा है हम वो निकालेंगे. तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे. अगर हमें ये रिलेशन दे रखा है बी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए, तो कैन वी से दैट इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा. अब बी हमारा क्या दे रखा है, ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स है, तो ये तो 1 हो जाएगा, एंड हियर इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस ए कैप स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ सी डॉट सी क्रॉस ए कैप. व्हाट यू विल से अबाउट दिस क्वांटिटी, दिस विल बी 0. व्हाई? बिकॉज सी क्रॉस ए कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, सो देयरफॉर दिस डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. नाउ लेट अस हैंडल दिस. मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर जो कि हमें चाहिए है, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप स्क्वायर, एंड एंगल बिटवीन सी एंड ए एज पर द क्वेश्चन इज पाई बाय 12, सो इट विल बी साइन स्क्वायर पाई बाय 12. Now let us simplify it. Magnitude of c square will common, so we'll be having 1 plus 4, and since magnitude of a is 1, it's unit vector given. Now sine square 15, the value of sine 15 degree is root 3 minus 1 over 2 root 2, so we will be having root 3 minus 1 over 2 root 2 whole square. Now we'll simplify this. So magnitude of c square will be equal to 1 plus 4. इस whole square को कोई easy question देखिए. 3 plus 1 minus 2 root 3, and in denominator will have 8. So this will get cancelled. It will be twice. So we have magnitude of c square 1 plus 4 minus 2 root 3 over 2. यहां से 2 2 2 भी कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर 1 प्लस
टू माइनस रूट थ्री, सो वी हैव विच इज इक्वल्स टू वन. सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज थ्री माइनस रूट थ्री इंटू वन. सो वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज वन ओवर थ्री माइनस रूट थ्री. लेकिन हमें किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? सिक्स टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, सो दैट इज 36 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर. अब इसको कैसे हैंडल करेंगे? 36 ओवर 3 माइनस रूट 3. इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो 3 प्लस रूट 3 ओवर 3 प्लस रूट 3. सो वी विल बी हैविंग 36 इंटू 3 प्लस रूट 3 एंड विल हैव 9 माइनस 3 इज 6. सो योर आंसर इज 6 टाइम्स ऑफ 3 प्लस रूट 3. लेट अस सी कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा. देखिए वी हैव ऑप्शन नंबर सी. तो क्वेश्चन जो है, खाली देखिए हर एक कंडीशन क्वेश्चन की यहां पर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं. तो मेन है कि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. हमारे पास ए बी सी तीन वेक्टर है जो कि कंपोनेंट में डिफाइंड है, ए बी सी. दोनों वेक्टर्स में कुछ अननोन है, अल्फा एंड बीटा. अल्फा बीटा स्केलर्स है, कोई भी रियल नंबर है. कहता है कि इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी इज 10/3 और बी क्रॉस सी हमें ये दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. ये क्वेश्चन जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है. तो देखिए पहले तो जो कंडीशन दे रखी है, प्रोजेक्शन ऑन ए ऑन सी का मतलब हो गया ए डॉट सी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 10/3. तो ए डॉट सी हमारा क्या आएगा? लेट अस कैलकुलेट ए डॉट सी. दिस विल बी अल्फा प्लस 6 प्लस 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी विल बी, अगर मैं यहां से अलग से मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालता हूं तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज 9 एंड दैट इज 3. नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी गुड वैल्यू. तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया 2. चलो अल्फा आ गया, अब हमें बीटा चाहिए है. तो देखिए यहां कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं. हमें बी क्रॉस सी दे रखा है, तो हम जानते हैं कि बी डॉट बी क्रॉस सी क्या आएगा? जीरो, क्योंकि वेक्टर बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. देखिए इससे क्या फायदा होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी. सो वी विल हैव माइनस 18 माइनस 10 बीटा प्लस 28 इज इक्वल्स टू जीरो. सो 10 बीटा इज इक्वल्स टू 10, सो बीटा इज इक्वल्स टू 1. तो बीटा आ गया, अल्फा आ गया, तो योर फाइनल आंसर इज 3. सो योर आंसर इज 3. तो देखिए हमने बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था. तो मेन है कि आपको जेई मेंस में क्वेश्चंस के हर एक पार्ट क्या गिवन है और आपको क्या चाहिए, उसको अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट करना होगा. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है पहले समझिए. हमें ए बी सी तीन वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर सी. आर एक वेक्टर है जो कि इन वेक्टर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. आर क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए एंड आर डॉट बी इक्वल टू जीरो. तो हमें आर डॉट ए की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे? तो पहले पहले वाले रिलेशन को देखते हैं. आर क्रॉस ए हमें दे रखा है सी क्रॉस ए के बराबर, तो यहां से कुछ निकालेंगे. एक काम करिए, सी क्रॉस ए को इधर ले आइए, ये जीरो वेक्टर आ जाएगा. वी कैन राइट दिस एज आर माइनस सी क्रॉस ए
इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, आर माइनस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर कोलिनियर या पैरेलल, जो भी हम कहेंगे। तो यू कैन राइट आर माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। तो आर वेक्टर हमारा आ गया लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस सी वेक्टर। अब हमें लैम्डा मिल जाए तो आर वेक्टर मिल जाएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आर डॉट बी जीरो है तो इसको बी के साथ डॉट करा दीजिए। आर डॉट बी जीरो है तो लैम्डा, नाउ ए डॉट बी हम क्वेश्चन से निकालेंगे क्योंकि ए और बी वेक्टर गिवन है। तो कितना आएगा, आई डॉट आई इज वन देन माइनस टू प्लस वी हैव सी डॉट बी। सी डॉट बी हमारा कितना आएगा, वी विल बी हैविंग वन प्लस वन, सो वी हैव माइनस लैम्डा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया टू। अगर लैम्डा आ गया है तो अब हमारे पास वेक्टर आर आ गया है, तो वेक्टर आर हमारे पास आ गया टू ए वेक्टर प्लस सी। अब हमें क्या चाहिए, आर डॉट ए, तो इसको ए के साथ डॉट करा दीजिए, आर डॉट ए टू ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी। वट इज ए डॉट ए, ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट सी क्वेश्चन से निकालेंगे, कितना आएगा, वन माइनस टू प्लस वन, ये तो जीरो आ गया। एंड वट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज वन प्लस फोर प्लस वन, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी सिक्स इंटू टू, सो योर आंसर इज ट्वेल्व। सो your final answer is 12. So this way we can solve it guys. So देखिए हमने question का हर एक given part, हर एक part हमने इस्तेमाल किया and we are in the position to solve the question within the time limit. देखते one more question. देखिए क्या है हमारा next question. हमें vector A दे रखा है, vector B दे रखा है. There is some vector R which satisfies these vector equations. यहां पर हमारे पास तीन vector equation है, तो हमें alpha plus magnitude of R का square निकालना है। तो देखिए क्या approach लगाएंगे, let us use the condition one by one. हमें R cross A is equal to दे रखा B cross R, इसको left hand side पे shift कर लीजिए, R cross A माइनस बी क्रॉस आर इज इक्वल टू जीरो। कैन वी राइट दिस एज आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी इज जीरो वेक्टर। नाउ यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आर क्रॉस ए प्लस बी इज जीरो, इट मीन्स वेक्टर आर एंड ए प्लस बी आर कोलिनियर, सो आई कैन राइट माई आर वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। क्या क्वेश्चन में हमें ए और बी दे रखे, यस, सो वी कैन एड देम, सो माय आर वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ, नाउ वी एड इट, इट्स आई प्लस टू आई इज थ्री आई, देन वी हैव माइनस जे कैप, देन वी हैव टू के कैप, सो माय आर वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा टाइम्स ऑफ थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। अब आर वेक्टर को अगर जानना है तो लैम्डा चाहिए, तो उसके लिए भी कंडीशन है, तो हम आर वेक्टर को यहां लिख लेते हैं, माय आर वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ थ्री आई माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। अब आर का इसके साथ डॉट कितना दे रखा है, थ्री, तो यहां पर इसका इसके साथ डॉट कराते हैं तो क्या आएगा, देखिए कीपिंग लैम्डा आउटसाइड वी हैव थ्री अल्फा माइनस टू प्लस टू
इज इक्वल टू 3, सो दिस विल गेट कैंसल. तो 3 लैम्डा अल्फा, 3 लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 3, सो लैम्डा इनटू अल्फा इज इक्वल्स टू 1. लेट इट बी इक्वेशन 1. अब हमें एक और इक्वेशन दे रखी है आर का, इसके साथ डॉट माइनस 1 दे रखा है, तो यहां पर भी डॉट ले लीजिए. तो लैम्डा आउटसाइड, सो आई एम राइटिंग 6 माइनस 5 एंड देन वील हैव माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो वी हैव लैम्डा इंटू 1 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो लैम्डा माइनस 2 अल्फा लैम्डा is equals to minus 1. Now alpha lambda is 1, so lambda minus 2 is equals to minus 1. So from here I'm getting lambda is 1. Lambda 1 hai, to is wale relation se aap dekhenge alpha bhi 1 aayega. Okay, alpha 1 aa gaya. To hamara r vector kya aa gaya? R vector is 3i cap minus j cap plus 2k cap. तो हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर स्क्वायर. अल्फा हमारा 1 है, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 9 प्लस 1 प्लस 4, सो योर फाइनल आंसर इज 15. नाउ सी गाइस, वी हैव इजीली फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना इज नॉट डिफिकल्ट. So for watching more videos, so please do subscribe to my channel, guys. So now JEE Mains is coming, so I will be keep uploading such videos. So agar aapko channel pasand aaya to please do subscribe. Thanks for watching.